होली पर महाकाल मंदिर में हुए दुखद हादसे के बाद अब महाकाल मंदिर में नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। महाकाल मंदिर में अब जो है सभी नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये बदलाव नजर भी आया रंगपंचमी पर। वो कैसे? दरअसल मैं आपको बता दूं कि रंगपंचमी पर इस बार ध्यान रखा गया, सिर्फ एक लोटा केसर जल जो है वो बाबा के अर्पित किया गया और उसकी वजह साफ है कि पिछली बार रंग गुलाल उड़े थे और उसकी वजह से हादसे की स्थिति बन गई थी। तो अब बड़ा बदलाव हो गया है। एक तो मामले में जांच होने के बाद प्रशासक को जो है मंदिर के निलंबित कर दिया गया, उसके बाद अब मंदिर में जो नियम है वो बदलाव हो गया है। आपको बता दें कि रंगपंचमी के लिए भस्म आरती में जो टेसू के फूलों का बना एक लोटा था वो भी हर्बल रंग का, वही अर्पित किया गया। भक्त पंडे पुजारियों को मंदिर में रंग लाने की अनुमति नहीं दी गई और इससे पहले भी अब ध्यान रखा जाएगा उन चीज़ों का मंदिर में कि ऐसी चीज़ें जो नुकसानदायक हो सकती हैं, जिनकी वजह से आग पकड़ सकती है या कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें इससे पहले हर साल भक्त जो है रंग लेकर आते थे और रंगों से रंगपंचमी पर बाबा का स्नान होता था, लेकिन बदली हुई व्यवस्था का असर दिख गया। चेकिंग हुई भक्तों की और उसके बाद ही अंदर जाने मिला, यहाँ तक कि जो पुजारी हैं, क्योंकि पुजारी दुखद तौर पर प्रभावित हुए थे होली में हादसे में, कई ऐसे पुजारी हैं जिनको इलाज के लिए भेजा गया था इंदौर, हादसे से वो प्रभावित हुए थे। अब आपको बता दें कि ये एक तरीके से परिवर्तन इसलिए है कि लोगों की एक तो भीड़, और भीड़ के बाद अगर कोई सामग्री इस तरीके से आते हैं तो सामग्री की वजह से कहीं कोई ऐसी स्थिति ना हो जाए कि जो वहाँ पर मंदिर में खासतौर से गर्भगृह में ऐसी स्थिति बने कि जो चीज़ जो है सुरक्षा से विपरीत चली जाए या वो हानिकारक हो जाए, इस बात का ध्यान अब रख दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, एक बड़ा एक्शन लिया गया, जांच कमेटी बनाई गई थी हादसे के बाद और महाकाल मंदिर के प्रशासक जो है मंदिर समिति के, उनको हटा दिया गया था। अब बहुत सी व्यवस्थाओं में आगे और भी बदलाव हो सकता है, खासतौर से भक्तों की चेकिंग तो ठीक है, अनिवार्य है, क्या लेके कौन जा रहा है अंदर वो भी ध्यान रखा जाएगा। और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे लगता है कि कोई मतलब ऐसी स्थिति बन सकती है नुकसानदायक, तो उसको बिल्कुल भी प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। खुद पुजारी भी मंदिर के, चाहे जितने पुजारी हैं, सबकी चेकिंग से लेकर बारीकी से अब ध्यान रखा जाएगा। यही वजह है कि रंगपंचमी पर बदले हुए नियमों का प्रभाव भी देखने को मिला और सुरक्षा और सतर्कता भी नजर आई। आप देखते रहें अभी तक।